Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Matr ek balak. ये है देव सेना, धीरु देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। मात्र बालक ही नहीं, विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं गणेश हमारे मार्ग में। ये बालक करेगा हमसे युद्ध। एक और बालक। सभी देव मुझसे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं भी उन्हें इसका पुरजोर प्रत्युत्तर दूंगा। सृष्टि के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई दोनों के मध्य एक संघर्ष चला आ रहा है। बुरी शक्तियां प्रबल होकर बार बार अपना मुख उठाती रही हैं, अच्छाई को नष्ट कर सृष्टि को लीलने का प्रयास करती रही हैं। किंतु ऐसे अंधकार भरे समय में भी आशा की ज्योति सदैव प्रज्वलित होती है। अच्छाई का साथ देने के लिए दिव्य शक्तियाँ सदैव जागृत हो उठती हैं और सर्वत्र छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। सृष्टि में धर्म मर्यादा का वर्चस्व पुनः स्थापित होता है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। मैंने इसीलिए आप सभी को यहाँ आने का अनुरोध किया, क्योंकि आसुरी दुष्टता ने पुनः अच्छाई की शुभता को चुनौती दी है। समय का चक्र अब हमारे साथ है, हम अधिक शक्तिशाली हैं उन देवताओं से। और इस बार उन असुरों को विश्वास है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु हम मिलकर युद्ध करेंगे। पराजित करेंगे हम इन असुरों को। असुरों की प्रत्येक पराजय का प्रतिशोध लेने का अवसर है। सदा के लिए असुर साम्राज्य स्थापित करने का अवसर है। हमारे पास सत्य है, धर्म है, बुद्धि और दूरदर्शिता के सागर ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा जी, साहस शक्ति और रणनीति में कुशल देव सेनापति मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार कार्तिकेय, और उचित मार्गदर्शन के लिए ज्ञान सिंधु गुरु बृहस्पति का साथ प्राप्त है हमें। महागुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त है मुझे। मेरे युवा एवं शक्तिशाली मंत्रीगण दुर्योधन,
हस्ती रणनीति और सेना के मार्गदर्शन में मेरे सहायक बनेंगे। हम देवताओं के पास अमृत है और हम ही उनके वास्तविक रक्षक भी हैं। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम किसी भी अयोग्य और कुपात्र के हाथों में उसे जाने ना दें, क्योंकि अमृत केवल सृष्टि और जगत के कल्याण के लिए ही है। संजीवनी विद्या है हमारे गुरुदेव के पास। इस संजीवनी विद्या से हम असुर पुनः जीवित हो सकते हैं। सदा के समान इस बार भी अच्छाई की ही विजय होगी और बुराई की पराजय। आज प्रथम बार बुराई भारी पड़ेगी अच्छाई पर। आज आप सभी त्रिदेवों के समक्ष उपस्थित हैं। योद्धा सृजनकर्ता पालन करता है वो, उनकी दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति की सहायता से विजयी होंगे हम। अनेकों असुर राज आए और गए, किंतु आज मैं अंध का असुर असुर सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। और सभी दिव्य शक्तियों के साथ मैं भी हूँ आपके साथ, प्रथम पूज्य शुभता का विघ्नहर्ता और दुष्टों के लिए विघ्न करता। मैं अंधकार सोल जो स्वयं महादेव के अंधकार से उत्पन्न हुआ, जिसका दिव्य अंधकार त्रिदेवों को भी निकल सकता है, कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे, श्री को छीना है मैंने उन देवताओं से, बाजार में स्थापित किया है उन्हें। समय आ गया है असुरों को नष्ट कर माता लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ ले जाने का, श्री को उनके उचित स्थान पर लौटाने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज अंधकासुर की जय। अंधकासुर की जय। महाराज अंधकासुर की जय। महाराज अंधकासुर की जय। देवता यहाँ तक आ गए हैं हमसे युद्ध कर श्री को लौटाने के लिए, किंतु अंधक ने उन्हें अपने छल से बंधक बनाया है। उन्हें हमसे छीन कर कोई नहीं ले जा सकता। महाराज अंधकासुर की जय। महाराज अंधकासुर की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। और हर महादेव, और हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और हर महादेव। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, अब उचित समय आ गया है, हमें प्रतीक्षा नहीं आक्रमण करना चाहिए। हाँ गणेश जी, देवसेना तैयार उत्साहित है, बस आप आदेश दीजिए। रुकिए, कृपया रुक जाइए आप सभी। अपनी उत्तेजना में विवेक खोकर नहीं, संयम और धैर्य से उचित योजना के साथ युद्ध करेंगे हम। मैं गणेश से सहमत हूँ, युद्ध अवश्य करेंगे हम, किंतु उचित रणनीति की रचना के बाद। ये उस रथ पर आरूढ़ होकर कौन आ रहा है? कहीं अंधकासुर का कोई दूत तो नहीं है? नहीं कार्तिकेय, यह अंधकासुर का दूत नहीं, ये मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद है। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, इस भक्त का नमन स्वीकार करें
प्रणाम प्रभु। प्रभु, यहां जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं प्रहलाद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु, मेरी पीड़ा का कारण है कि भक्ति को आधार बनाकर मेरे ही कुल के असुर ने, मेरी ही आराध्य के सहभागी ने, समस्त संसार की कल्याणकारिणी ऊर्जा रूपी देवी लक्ष्मी को यहां बंदी बना लिया है। प्रभु, उस दुष्ट अंधकासुर को उसके अपराध का दंड देने आए हैं हम यहां। दंड का भागी है अंधकासुर और नारायण का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा, ये मैं भली भांति जानता हूं। किंतु वो मेरे कुल का है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधि संवाद कर लें। संभव है उसकी भ्रष्ट बुद्धि उचित मार्ग पर आ जाए, ये सर्वनाशी युद्ध टल जाए। अंधकासुर का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है प्रहलाद जी, इसीलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा। संधि वार्ता का समय अब बीत चुका है। भैया, युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है, अनेकों निर्दोष जीवन नष्ट हो जाते हैं युद्ध में, इसलिए शांति की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध सदैव अंतिम उपाय ही होना चाहिए। हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तैयार हो जाए। अधार्मिक, नैतिकता विहीन उस ससुर से आशा करना व्यर्थ है प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सूर्यदेव, किसी अन्य की कुटिलता के कारण हम नीति और धर्म पर आधारित अपना व्यवहार नहीं त्याग सकते। किंतु श्री गणेश जी, मैं गणेश से सहमत हूँ, युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। अंधकासुर को समझाकर उसे माता लक्ष्मी को लौटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किंतु उससे संवाद करने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा इंद्रदेव। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे दृढ़ एवं स्पष्ट संवाद से अंधकासुर के समझने की संभावना क्षीण है। पुत्र गणेश चतुराई से शब्दों का चयन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा, कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा। पुत्र गणेश वो अंधकासुर है, अनीति और अधर्म के अहंकार अंधकार में डूबा हुआ। तुम शांति वार्ता करोगे किंतु वो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी कर सकता है। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और देवगण, जब आप सभी का आशीष प्राप्त है मुझे तो कोई हानि कहाँ हो सकती है मुझे। भ्राता गणेश, इसे साथ रखो, यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वनि से मुझे सूचित करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। मूषक जी, चलिए। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता।
असुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली, शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। माँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, किंतु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तो मैं आनंदित हो जाता। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण करते हो पुत्र, विश्वास रखो उसी प्रकार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा अपने वाहन मूषक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र। तुम आश्वस्त रहो, मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं। प्रणाम माँ, आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। कल्याण हो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुख का अनुभव हो रहा है। मुझे ज्ञात था माँ, आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। पुत्र, मेरा पुत्र तो स्वयं शुभता का प्रतीक है, किंतु महत्वपूर्ण कार्य की यात्रा के पूर्व दही शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करो। पुत्र, इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। विजय भवा। प्रणाम माँ। धन्यवाद माँ। मूषक जी चलिए। ये हमारी तरफ आने का दुस्साहस कौन कर रहा है? रुको! तुमने सुना नहीं, मैंने कहा रुको। शत्रु शिविर से आए हुए शत्रु हो तुम, भीतर नहीं जा सकते तुम। दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। आप बढ़ते रहिए मूषक जी। वो असुर प्रहरी आक्रमण करने वाले हैं गणेश पर। हमने तो पहले ही कहा था, ये संवाद का विचार ही व्यर्थ है। तुम और क्या चाहते हो? शांति। देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बाण मुझ पर साध रखे हैं, किंतु मैंने आक्रामक मुद्रा धारण की तो स्पष्ट है ना, मैं मात्र शांति का इच्छुक हूँ।
मैं आपके महाराज अंधकासुर के साथ शांति वार्ता करने आया हूँ। ये देव बालक महाराज अंधकासुर से क्या बातें करना चाहता है, महाराज को सूचित करता हूँ। जान पड़ता है कि देवताओं को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए क्षमा प्रस्ताव लेकर इस बालक को भेजा है। आने दो उसे। उचित है महाराज। सुनो, आने दो उस बालक को। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पिताश्री, आशा है गणेश सुरक्षित होगा। देवताओं ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजा है, किंतु हमने तो उनके लिए कुछ और ही प्रबंध किया है। विरोधी कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, उसे भी धर्म के मार्ग पर लौटने का अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.